नाइस निजामुल, तुम कितने बढ़िया स्टंट करते हो। सच में मजा ही आ गया। और मैं तो कहती हूँ ये MBA छोड़ो और अपना स्टंट में करियर बनाओ। क्या सच में इतने अच्छे स्टंट करता हूँ मैं? हाँ यार सच में। चलो आज मैं जाके मम्मी से बात करता हूँ, आओ चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। माँ सुनो। हाँ बेटा। माँ मैंने MBA की पढ़ाई करना नहीं चाहता, मैं स्टंट करना चाहता हूँ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, तेरी MBA की पढ़ाई पे पहले ही इतना पैसा लग चुका है और अब तू कह रहा है कि तुझे स्टंट करने हैं। मेरी बात मान, ये स्टंट छोड़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ देखो इस सेमेस्टर में मेरी पहले ही 2 बैक आ चुकी हैं। माँ मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, मैं स्टंट करना चाहता हूँ। माँ आई प्रोमिस मैं स्टंट में अपना करियर बना लूंगा। चल ठीक है बेटा, एक बार अपने बड़े भाई से भी बात कर ले। देख साहिल भी आ गया। हाँ माँ क्या हुआ? अरे ये निजामुल कह रहा है इसे MBA की पढ़ाई नहीं करनी, इसे स्टंट करने हैं। क्या पागल वागल हो गया ये चिचोरा गर्दी, लफंडगिरी, आवारागिरी करेगा ये? कोई स्टंटमैन करने की जरूरत नहीं है, इससे बोलो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ हाँ बड़ा है ना तू, अपनी चलाएगा, तुझे जो करना था अपनी लाइफ में तूने तो कर लिया, अब मेरी बारी आ रही है, तू अपनी चला रहा है। साहिल। माँ आपने ही से लाठ चढ़ा रखा है और तू मेरे सामने आवाज नीचे। तेरे ना सेमेस्टर में 2 बैग आ रखी हैं, तो जाके पढ़ाई कर। कहाँ जा रहा है? और मान ले आज पापा नहीं है तो तू मुझे इसलिए मार रहा है? पापा होते ना तो हाथ लगा के दिखाता। अरे बेटा सुन तो। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधे। बेटा क्या जरूरत थी तुझे उसे मारने की? यही बात तू उसे प्यार से भी समझा सकता था। और क्या ही गलत कहा उसने, तूने जो चाहा तूने अपनी लाइफ में वो किया और आज जब उसकी बारी आई है तो तू उस पर अपनी चला रहा है। माँ प्लीज, अगर आपको उसकी तरफदारी करनी है ना तो मत ही करो। आपको पता है ये स्टंट कितने डेंजरस होते हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो? आपको पता है ना पापा का एक्सीडेंट, मैं उसकी फिक्र करता हूँ माँ, इसलिए इन सब चीजों के लिए मना करता हूँ। आप समझो और उसे जाके समझाओ। बेटा सुन। क्या सुनूं? थप्पड़ मारा उसने मेरे, उससे जो करना था उसने तो कर लिया, जब मेरी बारी आई तो अपनी चला रहा है। बेटा तो क्या हुआ अगर उसने थप्पड़ मारा तो? आखिर बड़ा भाई है वो तेरा। वाह माँ वाह, एक तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, ऊपर से उसकी तरफदारी कर रही हो। सही है माँ सही है, घर में पैसे कमा के देता है ना वो। बेटा बात पैसों की नहीं है, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो और वो तेरी फिक्र करता है। वो बोल रहा था पापा का एक्सीडेंट याद है ना, कल को तुझे कुछ हो गया तो? माँ पापा के स्टंट करते थे? नहीं ना, समझो इस बात को, जो होना होता है वो हो जाता है। और समझाओ उसे भी, जब मैं पढ़ाई में अच्छा हो ही नहीं तो क्या फायदा, फिर फेल हो जाऊंगा। कम से कम मैं जिस चीज में अच्छा हूँ मुझे वो तो करने दो। बेटा सुन। माँ अगर आप उसकी तरफदारी करने आई हो ना तो प्लीज यहाँ से चली जाओ, मेरे को परेशान मत करो, मैं पहले ही ना बहुत परेशान हूँ। माँ नहीं माना ना वो? मुझे पता था वो नहीं मानेगा। कोई नहीं माँ, मुझे तुम अकेला छोड़ दो, तुम जाओ। अरे बेटा सुन, ब्रेकफास्ट तो करता जा। ब्रेकफास्ट तो खत्म कर। माँ ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, जिधर जा जाना है जाने दो। तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? छोड़ो यार। क्या हुआ बताओगे? यार भाई ने ना साफ साफ मना कर दिया कि तू स्टंट ही नहीं करेगा। तो क्या हुआ यार, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। यार आपको पता है इस सेमेस्टर में मेरी 2 बैक आ चुकी है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं स्टंट में ही बढ़िया हूँ, मैं स्टंट ही अच्छे कर सकता हूँ। वैसे ये बात तो है, तुम स्टंट्स बहुत अच्छे करते हो, तो इसी बात पे स्टंट्स करके दिखा दो। चलो।
ऑफ यू, मजा आ गया सच में, क्या स्टंट कर रहे हो तुमने, दिन ही बना दिया आज तो। थैंक यू। अच्छा एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी अम्मा, ठीक है आती हूँ। ओके यार अब तुम मुझे घर छोड़ दो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। सर वैसे आपका छोटा भाई स्टंट बहुत अच्छे करता है। जस्ट शट अप एंड घर लेके चलो। निजामुल, निजामुल माँ। अरे बेटा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? माँ निजामुल कहाँ है? अरे वो तो छत पर है। अरे सुन तो सही क्या हुआ। हाँ यार बस 5 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ। अच्छा रुको मैं आपको अभी 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ला बाइक की चाबी दे। नहीं दे रहा मैं। प्यार से बोल रहा हूँ बाइक की चाबी दे। तेरे को बोल जाना नहीं दे रहा मैं अभी चाबी। बाइक की चाबी दे। तेरे को बोला ना नहीं दे रहा मैं। साहिल। माँ आप प्लीज चुप रहो, इससे बोलो बाइक की चाबी देगा। मना कर रहा था ना इसे स्टंट करने के लिए, फिर भी स्टंट कर रहा है। माँ माँ आप भी कह दो इससे कि मैं चाबी नहीं दूंगा। अगर तुझे इतना शौक है ना बाइक चलाने का तो जाके अपनी कमाई के लिए क्या, ये जो तू बाइक चला रहा है ना ये मेरे कमाई की है। ले पकड़ अपनी चाबी। हेलो। हाँ जी आप ऑफिस में रुके, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है थैंक यू। देखो साहिल जी हमारे इवेंट में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। डोंट वरी सर आपके इवेंट में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत अच्छे से होगा। और बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो या आपको हमारा काम देखना हो ना कि हमारा काम कैसे है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, gigalevent.com हमारी वेबसाइट का पेज है। ठीक है सर, बाकी आफ्टर ऑल आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। yes. ठीक है और एस्टीमेट आपका लगा ही चुका हूँ मैं। ठीक है थैंक यू सो मच सर। ओके सर हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। ऐसी बहुत परेशान हूं मैं, मुझे और परेशान मत करो यार। बेटा तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही परेशान है, यहाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ। तूने निजामुल को कितना मारा है तुझे पता है? उसकी हालत देख बेचारा रोते रोते सो गया है। और बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, वो मुझसे कह रहा था माँ क्या पापा स्टंट करते थे? नहीं ना, पर उनका भी तो एक्सीडेंट हुआ। बेटा देख साहिल इस बात को समझ कि जो होना होता है ना वो होके रहता है, मैं या तू किसी चीज को बदल नहीं सकते। इसलिए मेरी बात मान बेटा, तू भी अपनी ये जिद छोड़ और निजामुल को अपनी लाइफ में वो जो चाहता है उसे करने दे, उसे आगे बढ़ने दे। अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ इस बारे में, और मेरा खाना मत बनाना मैं घर लेट आऊंगा। ठीक है चलो। निजामुल, निजामुल, माँ, निजामुल कहाँ है? अब आ गया होश तुझे? बताओ ना कहाँ है? नीचे गया होगा, देख ले। चलो ठीक है। और सुन, अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ। देख, मेरा भाई तू मेरी जान है। तूने थप्पड़ मारा था ना मेरे? अरे यार गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार, सॉरी। ले तू भी मुझे थप्पड़ मार दे, ले ले, सॉरी भाई माफ कर दे। चल चल ज्यादा फ्रैंक मत हो, बता क्या काम है? तुझे स्टंट करने है ना, ये ले बाइक की चाबी और अच्छे से ध्यान से स्टंट करना, सेफ्टी के साथ। ठीक है चल मैं तुझसे शाम को आके घर पे मिलूंगा, जल्दी आऊंगा। हेलो। हाँ जी सर। सर आप ऑफिस में रुके, मैं आपको वहीं आके मिलता हूँ।
मुझे तो पता था यही होगा। जब भी मना कर रहा था तुम लोगों को स्टंट करने के लिए, लेकिन मेरी बात तो तुम लोगों को समझ नहीं आती। अपनी चलानी है और चलाओ, लो हो गया ना एक्सीडेंट। बेटा इसका स्टंट करने से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये बेचारा तो बाइक लेके निकल रहा था और सनी की गाड़ी में इससे लग गई और उस सनी ने इसे इतना मारा। क्या तुझे सनी ने मारा है? अरे बेटा सुनो तो। सनी, ओ सनी मारा। तू चिल्ला रहा है, क्या बात हो गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ लगाने की? हाथ अड़ा पहले, अगर इतना ही गुस्सा है ना, जो गाड़ी में नुकसान किया है पैसे दे दे उसके, यहाँ आके फालतू ड्रामे कर रहा है। ये पकड़ पैसे, और एक बात याद रखियो, अगर आज के बाद तूने मेरे भाई के हाथ भी लगाए ना, तो तेरे पैर और तेरे हाथ दोनों तोड़ दूंगा। हाँ हाँ देख लेंगे, चल निकल। ओए रुक, पैसों का हिसाब तो पूरा हो गया, बाकी हिसाब तो पूरा कर लूं। ये थप्पड़ मेरे भाई के लिए, अगर आज के बाद तूने उसे हाथ भी लगाया ना या ऐसा सोचा भी, तो तेरे बदन पे ये जो कपड़े हैं ना इतने अच्छे अच्छे, ये सब खत्म कर दूंगा। समझ गए इस बात को? आराम से निकल जाओ। तुझे स्टंट्स करने हैं ना, ये ले पैसे और एक अच्छा सा हेलमेट खरीद लियो, और जो उसके साथ साथ किटविट आती है वो ले लियो, ठीक है? और एक बात ध्यान रखियो, जब भी स्टंट्स करे ना तो कहीं खुले में करियो, जिससे ना तुझे प्रॉब्लम ना और ना किसी और को, और सेफ्टी के साथ, ठीक है? चल रुक भाई। रब तेरा ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है। अच्छा चल, ज्यादा फ्रैंक मत हो, चल। हेलो, हाँ जी मैं चल आता हूँ, ठीक है? तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। हेलो गाइस, गाइस वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना दबा दो। लव यू ऑल।